उत्तराखंड के टेहरी में राज्य ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस खाई में गिर गई। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई जबकि 18 लोग इसमें जख्मी हुए। घायलों में 6 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर जल्द ही राहत और बचाव का काम शुरू हो गया जिसके चलते कई लोगों की जान बचा ली गई। ये हादसा चंबा उत्तरकाशी हाईवे पर सूर्यधार के पास हुआ। बस करीब 250 मीटर गहरी खाई में गिर गई थी। चश्मदीदों के मुताबिक बस में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घटना पर गहरा दुख जताया। वहीं मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की मदद की घोषणा की। सरकार ने हादसे की जांच के आदेश भी दिए हैं। पिछले दिनों उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुए बस हादसे में 48 लोगों की जान चली गई थी। बटवाड़ी उत्तरकाशी एरिया से हरिद्वार की दिशा में रोडवेज की बस जिसमें 30 के लगभग सवारी थी, इसके एक्सीडेंट होने की सूचना आई थी और लगभग 8:15 बजे के आसपास की बात है। और इसमें क्योंकि पासी में थाना और चौकी है तो ये तत्काल मौके पर पहुंच गए थे। वहां पर जिला प्रशासन और लोकल पुलिस के द्वारा वहां रेस्क्यू का काम किया गया और अभी तक 13 डेड बॉडीज कंफर्म हुई है और प्रारंभिक दृष्टि से 18 अभी इंजर्ड टोटल संख्या आई है जिसमें 14 मेल है, 3 फीमेल है और एक बच्चा है जो कि इंजर्ड है। इन्हें चंबा में ही जो पास के हॉस्पिटल है, एक प्राइवेट और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, दोनों जगह पे अभी एडमिट किया है, ट्रीटमेंट चल रहा है। भटवाड़ी उत्तरकाशी से बस चली थी, उत्तराखंड रोडवेज की बस हरिद्वार के लिए। सुबह 3:30 बजे भटवाड़ी से चली थी और फिर 5 बजे उत्तरकाशी से चली थी। ये चंबा से 12-13 किलोमीटर पीछे पहले मतलब उत्तरकाशी की तरफ, वहाँ पे ये बस जो है खाई में गिर गई है। लगभग 100 मीटर यानी 350-350 फुट गहरी खाई में गिर गई और इसमें हमारी स्थानीय पुलिस और SDRF वगैरह सब सुबह से राहत कार्य में लगे हुए हैं। हमने 16 घायलों को बचाया है, उनको अस्पताल में भेज दिया गया है। 13 लोग की डेथ हुई है। घायलों में भी अभी 6 लोगों को गंभीर बताया जा रहा है तो उनको हायर सेंटर एम्स ऋषिकेश में हेलीकॉप्टर के माध्यम से लाया जा रहा है।